एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में पुलिस ऑफिस कार्यालय पर कार्यालय के सभी पुलिस कर्मियों को आतंकवाद विरोधी दिवस की शपथ दिलाई गई, जिसके संबंध में एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि 21 मई 1991 को आतंकवादियों ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की निर्मम हत्या कर दी थी। तभी से 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन सभी जवान शपथ लेते हैं कि वह आतंकवाद का डटकर सामना करेंगे। उन्होंने कहा कि भारतवासी अपने देश की अहिंसा एवं सहनशीलता की परंपरा से दृढ़ विश्वास रखते हैं तथा निष्ठापूर्वक शपथ लेते हैं कि हम सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसा का डटकर विरोध करेंगे। हम मानव जाति के सभी वर्गों के बीच शांति, सामाजिक सद्भाव तथा सूझबूझ कायम करने और मानव जीवन मूल्यों को खतरा पहुंचाने वाली और विघटनकारी शक्तियों से लड़ने की भी शपथ लेते हैं। इस अवसर पर एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी, कैंपियरगंज सीओ अजय कुमार सिंह सहित अन्य पुलिस ऑफिस कार्यालय के पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, अपने देश की अहिंसा एवं सहनशीलता की परंपरा में दृढ़ विश्वास रखते हैं तथा निष्ठापूर्वक शपथ लेते हैं कि हम सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसा का डटकर विरोध करेंगे। हम मानव जाति के सभी वर्गों के बीच शांत सामाजिक सद्भाव तथा सूझबूझ कायम करने और मानव जीवन मूल्यों को खतरा पहुंचाने वाली और विघटनकारी शक्तियों से लड़ने की भी शपथ लेते हैं। इक्कीस मई को हर वर्ष आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश की ओर से भी एक निर्देश था कि 11 बजे आतंकवाद विरोधी दिवस पर एक शपथ सभी पुलिस कार्यालयों में, सभी संगठनों में दिलाई जाएगी। उसी क्रम में यहाँ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में तैनात सभी अधिकारी कर्मचारीगण ने 11 बजे आतंकवाद विरोधी दिवस की जो शपथ है वो शपथ लिया है और उस शपथ पे अमल भी जीवन में करेंगे।